आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टूर ऑफ ड्यूटी यानी टीओडी योजना के तहत भर्ती किए गए सभी सैनिकों को 4 साल बाद सेवा से रिलीज कर दिया जाएगा और बाद में इनमें से 25% को पूर्णकालिक सेवा के लिए दोबारा सेना में भर्ती किया जाएगा। अभी इसे सुझाव में शामिल किया गया है, जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। पहले ये प्रस्ताव दिया गया था कि इस योजना के तहत भर्ती किए गए कुछ सैनिकों को 3 और कुछ को 5 साल बाद रिलीज कर दिया जाएगा, जबकि करीब 25% सैनिकों को पूर्णकालिक सेवा के लिए रखा जाएगा। नए प्रस्ताव के मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी यानी टीओडी योजना के तहत भर्ती होने वाले सभी जवानों को 4 साल बाद रिलीज कर दिया जाएगा। 4 साल के इस अनुबंधित कार्यकाल के पूरा होने के बाद 1 महीने के भीतर 25% सैनिकों को वापस बुलाकर नई ज्वाइनिंग डेट के साथ सेना में भर्ती किया जाएगा। दोबारा भर्ती करते समय सैनिकों को वेतन और पेंशन के लिए पिछले 4 सालों के अनुभव का लाभ नहीं दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये भी प्रस्ताव किया गया है कि तकनीकी कामों के लिए जवानों की भर्ती ITI से की जाए ताकि उनकी ट्रेनिंग में लगने वाला समय बचाया जा सके। TOD के तहत चयनित उम्मीदवारों को वेतन और अन्य सुविधाएं स्थानीय सैनिकों के बराबर मिलेंगी। भारतीय सेना में फिलहाल सैनिकों की औसत उम्र 35-36 साल है और TOD लागू होने के बाद 4-5 साल में सैनिकों की औसत उम्र 25-26 साल हो जाएगी। TOD पर सरकार काफी समय से विचार कर रही है। इस योजना के लागू होने से सरकार पर पेंशन का भार कम हो जाएगा। इस वीडियो पर आपकी